टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत आमने सामने। शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश हैं, कहते हैं कौम टीम की फतह के लिए दुआ को है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज दुआ शकील से। जी दुआ, बताइएगा क्या कह रहे हैं शायकीन क्रिकेट आज के मैच के हवाले से। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है, आज होने जा रहा है सबसे बड़ा मार्का पाक भारत टाकरा, और इस वक्त मेरे साथ जो है शायकीन क्रिकेट मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आज जो है कौन से खिलाड़ी के साथ इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं और क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतने वाली है। मुझे उम्मीद तो पाकिस्तान से है, बिल्कुल उम्मीद है पाकिस्तान से। उन्होंने USA के खिलाफ कोई अच्छा उनका एक्सपीरियंस नहीं गया, अच्छा नहीं खेले, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम रिजवान जो हमारी टीम है उसमें पोटेंशियल है कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, जीत सकते हैं। जिस तरह बॉलिंग में हमारे पास मोहम्मद आमिर वापस आ गए हैं तो मुझे उनसे काफ़ी उम्मीद है कि वो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा करेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा तो पाकिस्तान की इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस थी नहीं, मतलब लूज़ फील्डिंग थी और बैटिंग और बॉलिंग में दोनों ही वो उन्होंने काफ़ी मार खाई है, लेकिन पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, तो हो सकता है कि कोई मौजा हो जाए। जी बिल्कुल, आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि पिछले मैच के अंदर पाकिस्तान USA से हारा है, ये लोग जो हैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हैं उनकी परफॉर्मेंस से, लेकिन जो आज मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का वो पुरउम्मीद भी हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और आज जो है अपना मैच इंडिया के खिलाफ जीतेंगे भी। सही जी।